अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुमरा के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो हेलो जी, बिल्कुल मैं सैलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब TMC बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे में ओमिक्रोन के JN1 के एक नए संक्रमण की मरीज ठाणे नगर निगम के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है। बताया जा रहा है कि 19 साल की लड़की है और उसे मंगलवार को शाम 4:30 बजे के बीच में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलवा अस्पताल में फिलहाल भर्ती हुई युवती की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है। नए वेरिएंट का पहला मरीज ठाणे में पाया गया है और इसके चलते अब ठाणे नगर निगम की स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट हो गई है। सबसे पहले JN1 नया वेरिएंट केरल राज्य में पाया गया था। ओमिक्रोन का एक नया संक्रमण है। केरल राज्य में JN1 नए कोविड के मिलते ही केरल राज्य में एक हफ्ते के भीतर 300 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में इस वेरिएंट के 13 मरीज हैं और राज्य में यह संख्या बढ़कर 24 हो गई है। चूंकि ठाणे में अभी पहला JN1 का मरीज मिला है, जिसके चलते नए ओमिक्रोन वेरिएंट की संख्या बढ़े हैं। इसके लिए ठाणे नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जाँच पड़ताल करना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल ठाणे में सिर्फ एक मरीज पाया गया है और एक बार फिर संभावना है कि ठाणे में जांच और भी JN1 के नए वेरिएंट कोविड में इजाफा हो सकता है। तेजी से फैल रहे वेरिएंट को लेकर डॉक्टर ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। एक एंग पेशेंट है, नियरली 19-20 इयर्स, लेकिन उसको एसोसिएटेड बहुत सारी बीमारियां साथ में है और उसके साथ में टेस्ट एक पॉजिटिव आया है। कोविड या कोरोना के लिए हमने जब भी इसका व्यवस्था उस समय बताया कि अपने को सीखना है, कोविड के साथ रहना है। कोविड अभी एंडेमिक है, हर एक सीजन वाइज थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा, कुछ समय कम होगा, ये चालू रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है और लोगों में इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी है। दूसरी जो चीज़ है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब अवेलेबल है। तीसरी जो चीज़ है कि हमें कोरोना के समय बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना, हैंड वॉश करना, ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग सब चीज़ से दूर रहेंगे, बाकी बीमारों से भी दूर रहेंगे। इनमें जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या दूसरी कोई बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनमें ख्याल रखना जरूरी है। बाकी रूटीन अपने जो है कि भीड़ से दूर थोड़ा सा रहिए, जरूरत ना पड़ने पर बाहर मत निकलिए, जितना हो सके भीड़ अवॉइड कीजिए। अभी सीजन है, ये सीजन में टूरिस्ट लोग भी बढ़ते हैं, 31 दिसंबर आ रहा है, लोग भीड़ करेंगे तो थोड़ा रिस्क रहता है कोरोना बढ़ने का। लेकिन बीमारी ऐसी कोई डेंजर नहीं है, सब वेरिएंट है, इसमें ऐसा डेंजर ऐसा कोई सिचुएशन पाया नहीं गया और हम क्लोज ऑब्जर्व कर रहे कि सिचुएशन कैसी रहेगी उस समय और वो देखेंगे। लेकिन कोरोना अपने साथ ही है और रहने वाला है, इसके लिए जब हम टेस्टिंग बढ़ाते हैं तो केसेस बढ़ जाती है, टेस्टिंग कम होती तो टेस्ट कम हो जाते हैं पेशेंट, तो ये टेस्टिंग के ऊपर निर्भर करता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सारी और ईली के लिए सर्वे बताया गया है वो हम सर्वे करते हैं, उसमें टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा टेस्टिंग करें तो डेफिनेटली केसेस पॉजिटिव आ सकते हैं। सर, ये तो आइसोलेशन में कितने दिन रखा जाएगा उसको? पेशेंट तो स्टेबल है, ये तो फिलहाल हमारे अस्पताल नहीं है, छत्रपति शिवाजी अस्पताल में एडमिट है, वहाँ से सुपरिटेंडेंट से बात की है मैंने, पेशेंट स्टेबल है, उसको ट्रीट कर रहे हैं और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या करना है।